MySQL को अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में कैसे डाउनलोड करें फ्री। तो गूगल पर आप टाइप करेंगे डाउनलोड MySQL, एंटर की प्रेस करिए। MySQL.com ये MySQL की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर इसका पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करना है और MySQL कम्युनिटी GPL डाउनलोड्स पर क्लिक करना है। ये MySQL कम्युनिटी GPL डाउनलोड फ्री है और विंडोज कंपेटिबल है। इसे आप अपने कंप्यूटर में लाइफ टाइम फ्री में यूज कर पाएंगे। अब इसमें कई ऑप्शंस दिए हैं, इसमें आपको MySQL इंस्टॉलर फॉर विंडोज को क्लिक करना है। इसको क्लिक करते ही आपको दिखता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, यहाँ पर 2.3 MB का है, इसको डाउनलोड कर लीजिए। साइन अप मत करिए, लॉगिन भी नहीं करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आप क्लिक करिए नो थैंक्स, जस्ट स्टार्ट माई डाउनलोड। ये डाउनलोड हो चुका है, इसको ओपन कर लीजिए। रन स्मार्ट स्क्रीन कांट बी रीच राइट MySQL इंस्टॉलर वेब कम्युनिटी MSI, चेक योर इंटरनेट कनेक्शन, रन। ये डाउनलोड होना शुरू हो चुका है, यस करेंगे यहाँ पर। यहाँ पर हम कस्टम को सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट। यहाँ MySQL सर्वर 8.0, इसको सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप एप्लीकेशन MySQL वर्कबेंच 8.0 फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करिए। इसको भी आप लिस्ट में शामिल कर लीजिए। इसके बाद तीसरा है MySQL कनेक्शन ODBC। इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर लीजिए ODBC। और कनेक्शन पाइथन, इसके फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन, अगर आपको इंस्टॉल करना है डॉक्यूमेंटेशन तो ये इसके डॉक्यूमेंटेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट द सिलेक्टेड पाथ ऑलरेडी एग्जिस्ट सी प्रोग्राम फाइल्स MySQL वर्कबेंच 8.0, इसको हम कॉपी कर लेंगे। और इसको हम नोट पैड में पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पर आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यू स्टिल हैव वार्निंग विथ योर सिलेक्टेड पाथ, आर यू श्योर यू वॉन्ट टू कंटिन्यू? यस। तो हमने इसको एग्जीक्यूट कर दिया है। क्लिक एग्जीक्यूट टू इंस्टॉल द फॉलोइंग सो डिटेल्स। देखिए डाउनलोडिंग प्रोसेस शुरू हो चुकी है और इसका पाथ जो है हम इस एक नोटपैड फाइल में स्टोर कर लेंगे। ये देखिए ये पाथ है, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ और MySQL डाउनलोड होना शुरू हो चुका है। ये 85, 96, 100% हो चुका है। नेक्स्ट एग्जीक्यूट,
MySQL सर्वर 8.0.2.7 इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है। ये देखिए, ये बहुत तेज़ी से इंस्टॉल हो रहा है। अभी कनेक्शन पाइथन इंस्टॉल हो रहा है, डॉक्यूमेंटेशन फाइल्स इंस्टॉल हो रही हैं, ODBC ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है, जो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था वर्क बेंच और MySQL सर्वर था। चलिए नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब रेडी टू कॉन्फ़िगर है, नेक्स्ट पर क्लिक करिए। इसमें ऑलरेडी सभी चीज़ें सिलेक्टेड है, नेक्स्ट पर क्लिक करिए। यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इनक्रिप्टेड फॉर ऑथेंटिकेशन, नेक्स्ट MySQL रूट पासवर्ड रिपीट पासवर्ड। तो इसका जो डिफॉल्ट पासवर्ड है हम रूट रखते हैं, ROOT, रिपीट पासवर्ड ROOT रूट, जो कि एक वीक पासवर्ड है, फिर भी हम इसको रख रहे हैं। नेक्स्ट,
इसका इंस्टॉलेशन फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट, द इंस्टॉलेशन प्रोसीजर हैज बीन कंप्लीटेड, कॉपी लॉग टू क्लिपबोर्ड, स्टार्ट MySQL वर्कबेंच आफ्टर सेटअप, फिनिश। अब हमें यहाँ SQL को सर्च करना है, SQL। तो वेबसाइट पर ओपन हो रहा है, चलिए यहाँ पर हम रन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, रन कमांड प्रॉम्प्ट, और ये जो पाथ है सी टाइप पर क्लिक करें, प्रोग्राम फाइल्स के बाद MySQL के बाद MySQL सर्वर, बिन, ये तो लिब हो गया, बिन फोल्डर आपको सिलेक्ट करना है, इस पाथ को कॉपी कर लीजिए, अब इसको ओपन करिए, cd टाइप करिए, cd पाथ को पेस्ट कर दीजिए, एंटर करिए, यहाँ टाइप कीजिए MySQL -u root -p फॉर पासवर्ड, यहाँ पर -u टाइप करेंगे, -u यूजर के लिए, और यूजर है root -p पासवर्ड के लिए, एंटर। यहाँ पर आपको पासवर्ड टाइप करना है root, ये देखिए MySQL प्रॉम्प्ट आ चुका है, और यहाँ पर आप कोई भी क्यूरी रन कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप MySQL को इंस्टॉल कर पाएंगे और MySQL को यूज कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।